सनसनी ऑफ इंडिया। एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की टीम ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है जो अलग अलग राज्यों में कभी नकली पुलिसकर्मी, कभी क्राइम ब्रांच तो कभी सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्गों और ज्वेलरी की दुकानों के कर्मचारियों को टारगेट करके लूट व ठगी की वारदात को अंजाम देता था। यह गैंग बुजुर्गों और ज्वेलरी की दुकानों के कर्मचारियों को पुलिस चेकिंग के बहाने रोककर व उनके आभूषण उतरवाकर एक पैकेट में रखने को कहता, फिर बड़ी ही चालाकी से असली आभूषण के पैकेट को नकली आभूषण के पैकेट से बदल दिया करता था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 38 वर्षीय निसार मिशकिन सैयद, 27 वर्षीय इकबाल, 27 वर्षीय सलमान अली व 20 वर्षीय शब्बीर अली के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 50 ग्राम सोने का कड़ा, एक कार और एक बाइक बरामद की है। इनकी गिरफ्तारी से अलग अलग राज्यों की 8 वारदात सुलझ गई हैं। देश के अलग अलग राज्यों में नकली पुलिस, सीबीआई व क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर बुजुर्गों के साथ लूटपाट व ठगी करने वाले एक गैंग ने आतंक मचा रखा था। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश देव ने बताया कि दिल्ली एनसीआर व देश के अलग अलग राज्यों में होने वाली ठगी और लूट की वारदातों को ध्यान में रखते हुए सुशील कुमार एसीपी की सुपरविजन व दलीप कुमार इंस्पेक्टर एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी के नेतृत्व में एक टीम छानबीन कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर दलीप कुमार की टीम को पता चला कि सेम मोडस ऑपरेंडी से अलीगढ़, आनंद विहार, मुंबई, नागपुर व दिल्ली एनसीआर में बुजुर्गों के साथ ठगी व लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया गया है। टीम ने अलग अलग राज्यों में सेम मोडस ऑपरेंडी से की गई ठगी व लूटपाट की सभी वारदातों का बारीकी से विश्लेषण किया। इंस्पेक्टर दलीप कुमार की टीम ने सबसे पहले सभी घटनास्थलों के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। सीसीटीवी फुटेज बारीकी से स्कैन करने पर इंस्पेक्टर दलीप कुमार इतना तो श्योर हो गए थे कि देश के अलग अलग राज्यों में बुजुर्गों के साथ लूट व ठगी की वारदातों को अंजाम एक ही गैंग के बदमाशों ने दिया है। गैंग की पहचान होने के बाद अब टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती इनको दबोचना था, क्योंकि एक तो यह गैंग वारदात को अंजाम देने के बाद महीनों अंडरग्राउंड रहता था, दूसरा यह गैंग कब और किस राज्य में वारदात को अंजाम देगा इसका पता लगाना बहुत मुश्किल काम था। सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ टीम ने सभी घटनास्थलों के आसपास का मोबाइल डंप डेटा भी स्कैन किया, लेकिन यह गैंग इतना शातिर था कि वारदात के समय अपने साथ मोबाइल फोन नहीं रखता था। लेकिन इंस्पेक्टर दलीप कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और क्राइम सीनों के सीसीटीवी फुटेजों से मिले गैंग के बदमाशों के फोटो को सोशल मीडिया के साथ साथ मुखबिरों के बीच सर्कुलेट कर दिए। साथ ही इंस्पेक्टर दलीप कुमार की टीम ने जेलों में बंद सेम मोडस ऑपरेंडी से वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों के रिकॉर्ड की जाँच शुरू की। आखिरकार कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद टीम को इनपुट मिला कि गैंग दिल्ली एनसीआर में एक्टिव है और दिनांक 26 मई 2022 को आईपी पार्क सराय काले खां के पास किसी वारदात को अंजाम देने आएगा। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश देव ने सुशील कुमार एसीपी की सुपरविजन व दलीप कुमार इंस्पेक्टर एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी के नेतृत्व में एएसआई राजीव बामल, अशोक कुमार, एएसआई वीर सिंह, विजय कुमार, सुरेश कुमार, जोगेंद्र सिंह, कांस्टेबल सोनू, पया सिंह और कपिल नागर की एक टीम का गठन किया। टीम ने सराय काले खां के पास जाल बिछाकर गैंग से जुड़े 4 बदमाशों को दबोच लिया। पूछताछ में चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि गैंग के 2 सदस्य पुलिसकर्मी बनकर बुजुर्गों को निशाना बनाते थे, तलाशी की बात कहकर उन्हें अपने गहने उतारने के लिए कहते थे, फिर वो गहने को एक पेपर पैकेट में पैक करते थे और असली गहने की जगह उन्हें नकली गहने का पैकेट लौटा देते थे। इनका एक साथी इस दौरान खुद आकर अपने गहने उन्हें देता था ताकि अन्य लोगों का विश्वास उन पर बन सके। वहीं चौथा साथी कुछ दूरी पर खड़ा रहकर निगरानी रखता था। बदमाशों ने बताया कि गैंग ज्यादातर ज्वेलरी की दुकान पर काम करने वालों व बुजुर्गों को क्राइम ब्रांच और सीबीआई के अधिकारी बनकर निशाना बनाते थे। बदमाशों ने बताया कि होटल में रहकर वारदात को अंजाम देते थे और जैसे ही वो वारदात को अंजाम देते अपनी गाड़ी में सवार होकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी से 8 मामलों को सुलझाने का दावा किया है। आरोपियों के पास से सोने का एक कड़ा, एक IE10 कार और एक बाइक बरामद की गई है। पहला आरोपी 38 वर्षीय निसार मिशकिन सैयद पुत्र मिशकिन सैयद अंबेवाली कल्याण ठाणे का रहने वाला है। इसने दूसरी कक्षा तक पढ़ाई की है। इसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। 25 साल की उम्र से ही इसने अपराध करना शुरू कर दिया था। इसके खिलाफ मुंबई व ठाणे में 7 मामले दर्ज हैं। दूसरा आरोपी 27 वर्षीय इकबाल पुत्र इज्जत अली मोहल्ला लेशवाड़ा मदीना कॉलोनी देवबंद यूपी का रहने वाला है। इसके खिलाफ देहरादून में गैंगस्टर एक्ट में एक मामला दर्ज है।
तीसरा आरोपी 27 वर्षीय सलमान अली पुत्र यूसुफ अली लेशवाड़ा मदीना कॉलोनी देवबंद यूपी का रहने वाला है। चौथा आरोपी 20 वर्षीय शब्बीर अली पुत्र इज्जत अली मोहल्ला लेशवाड़ा मदीना कॉलोनी देवबंद का रहने वाला है। इसने 5वीं तक पढ़ाई की है। इसकी भी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। इसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में कहीं डर तो कहीं दर्द कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या कहीं साजिश तो कहीं रंजिश हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश देखें हर रोज 7:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश खेल कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।